किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया। आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, जो मेरे अमरूद के बाग के तीन ओर मैंने नीम और लेमन के पेड़ लगाए हुए हैं, तो भाग दो में मैंने उनकी स्थिति एक माह हो चुका। पौधे गिर चुके थे और या सीधे जो लेमन के पौधे थे एक डंडी से या दो डंडी से सीधे चल रहे थे, बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, 5 फीट। मैंने उनकी कटिंग की थी। जब मैंने उनको पौधे दिखाए थे आपको, सरसों कटने के बाद में वो भी दिखाए थे और फिर उनमें खाद जिस तरह से डाला था वो भी दिखाया था, मतलब उनकी निराई गुड़ाई कर दी थी, बिल्कुल घास को खत्म कर दिया था और वो भी स्थिति दिखाई थी, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नींबू भाग दो का लिंक दे दिया है, आप उसको भी देखिए कि उस टाइम कैसे पौधे थे और अब कैसे दिए। मैंने इनमें कटिंग कराई है, अभी नीचे से दो प्रकार की कटिंग कराई है। एक तो जो जड़ में से नई सूट निकलती है जो अभी आप देखेंगे, उनको कटवाया है, और एक जो नीचे की तरफ मैंने एक निश्चित कर ली है कि भाई इतनी लंबाई से नीचे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कोई भी टहनियाँ अगर वो ज़मीन को छूती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके वो एक तरह से बीमारी को दावत दे रहे हैं। बड़ी आसानी से कीड़े मकोड़े नीचे रहेंगी तो पानी भी उन पर लगेगा, पानी लगेगा तो फफूंदी भी आएगी, बहुत चीज़ आएगी। तो मेरा ये मानना है किसी भी वृक्ष की, किसी भी पेड़ की टहनियाँ ज़मीन पर नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनको कैसा आकार दिया है और वो अब कैसे लग रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। लेमन और लाइम के दोनों के पेड़ जब कैसे थे, ध्यान से देखिए, पुरानी वीडियो को भी खोल लीजिए, दोबारा देखिए उसमें कैसे थे और अब एक माह बाद कैसे हैं। मैंने इनमें बीच में इनको थोड़ी मेड़ बनवाई है ताकि मैं इनमें पानी कम दे सकूं। जो बीच का स्थान है वो मैं स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की लाइन लगाने के लिए मैंने प्रयोग किया। एक और मैंने स्वीट कॉर्न लगाई है और बीच में मैं बेबी कॉर्न लगाने जा रहा हूँ, तो मैं मक्का भी खाऊंगा और मेरे ये पेड़ भी अलग होंगे। चूंकि नींबू को पानी की कम आवश्यकता होती है इसलिए मैं पानी सिर्फ बीच बीच में दूंगा। चलिए देखते हैं नींबू के पेड़। ये देखिए, जो हमने आपको अपना बाग दिखाया था जब सरसों के बाद में, तो ये लगभग एक महीने बाद की स्थिति है। ये वही पेड़ हैं जो लेमन के हैं और अब हमने इनको इस तरह से नाली बनवा दी है इनकी, ताकि हम इसमें अभी पानी नहीं देंगे क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। देखिए कितने अच्छे पेड़ हो गए एक महीने के अंदर ही, जब हमने खाद लगाया था, खाद लगाने के बाद पानी दिया था और उसके बाद कितने अच्छे हो गए। इसको देखिए, ये इसमें अब कटिंग करेंगे, ये इनको हम हटा देंगे और ये ध्यान रहे कटिंग का वही तरीका है धीरे से कि थोड़ी जगह छोड़कर करें, ये कर दी कटिंग। तो ये जितने भी हैं आपके जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है उनको हटा दीजिए, ताकि ये वाले भी हटाओ, ये वाले हैं। हाँ, तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है ये क्या करती हैं कि पौधे की एनर्जी, जो ऊर्जा होती है जो खाने पीने से मिलती है, वो इनमें चली जाएगी और इनकी बजाय अब पौधे में ऊपर। देखिए कितना अच्छा, आप देखेंगे। एक मैं चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, इधर देखिए, इस पौधे में मैंने फूल रोका हुआ है। ये सीडलेस लेमन बताते हैं, पर जो मुझे बताया था कि ये थाई सीडलेस लेमन है। मैंने कुछ फूल रोके हुए हैं कुछ पौधों में और आप इनमें देखें किसी भी किस्म की बीमारी नहीं है। चूँकि मैं 10% पत्तियों का रस और वेस्ट डिकम्पोजर 100% जो है मैं इन पे हर चौथे पांचवे दिन छिड़कवाता हूँ। ये देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, किसी को नहीं छेड़ना है, तो ये इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ये जो पौधा है ये बहुत ध्यान से करना है, मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, ये मेरी लेबर है। देखो इस वाले को हटाओ, ये यहाँ पर जो नीचे है आप देखिए, ये ध्यान से ये हटाओ। तो हम पौधे को एक आकार दे रहे हैं, ये हमने जो डंडी भी लगा दी है और इस तरह से देखिए कितने अच्छे पौधे बनते जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये झाड़ी नुमा होता है जो लेमन होता है, आप देखिए इसकी पत्तियां, देखिए ये नीचे की तरफ जा रही है, ये देखिए नीचे की तरफ आ रही है, हमेशा नीचे की तरफ झुकाव रहता है इसका। और एक न, इसे मत काटो और इसको जो है ना, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी शाखा आपकी ज़मीन को टच कर रही है उसको हटा देना है, मेरे हिसाब से उसको हटा देना है। तो ये देखिए, ये मेरी लेमन की लाइन है, कितनी अच्छी, आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए पूरी लेमन की लाइन,
और कुछ ही दिनों बाद ये जो है ना मिल जाएंगे, मतलब बरसात में ये मिल जाएंगे। ये मेरी लाइम की है जो कागजी लाइम है सदा। अब देखते हैं, ये वो सिरा था जो मैंने भाग दो की वीडियो में दिखाया था, ये वही लाइन है। ये लेमन के पेड़ हैं और ये देखिए ये मेरे लाइम के पेड़ हैं। ये देखिए कितने अच्छे, ये सब नई फुटान आई है इन पर, देखिए कितना अच्छा पेड़ लगा। बहुत छोटे छोटे पेड़ थे ये जो मैंने खरीदे थे, ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है। कई पेड़ मैंने आपको दिखाए थे और ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने इसकी ये कटिंग कर दी थी यहाँ से, और इसमें देखिए कितने कल्ले फूटे हैं। और ये देखिए ये भी मेन कटिंग मैंने कर दी थी यहाँ से, और एक ये कटिंग कर दी थी। तीन जो ब्रांचें थी मैंने ऊपर नहीं बढ़ने दिए। ये पेड़ मैंने छोड़ा है, इस पर देखिए फूल आ रहे हैं, ये इस बात को इंगित करेंगे। देखिए फल बन गया, ये आप देखेंगे ये वाला जो है ना ये फल बन गया। ये अब जैसे ही जैन साहब बताते हैं कि चने के दाने के बराबर होगा, हम इसमें पानी देंगे। जब तक ये फूल नहीं गिर जाएंगे तब तक नहीं देंगे। इससे मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली वैरायटी क्या है। ये देखिए इसमें भी फूल आ, कितने अच्छे पेड़ हैं, तो कटिंग क्यों ना करें इसकी, मेरे को समझ। आप एक बात और देखेंगे कि मेरे पौधों में किसी भी किस्म का, बड़े ध्यान से देखिए, किसी भी किस्म का रोग नहीं है, जबकि मैं कोई दवाई नहीं डालता। जो भी लोग मेरे बगीचे में आते हैं वो इस बात को करते हैं कि आपके जितना साफ सुथरा बगीचा बहुत मुश्किल से मिलता है, हमने नहीं देखा। देखिए कितने अच्छे पेड़ चल रहे हैं, ये देखिए आप कितनी बढ़िया लाइन। ये वही लाइन है, अगर आप पुरानी वीडियो में देखेंगे तो कैसे हल्के हल्के से पेड़ लग रहे थे। ये थोड़ा गलती से पानी आ गया, लेकिन नहीं आएगा। ये जो मेरी बीच की लाइन है इसमें हम पानी देंगे और इसमें हम स्वीट कॉर्न लगाएंगे, जैसे उस ओर की लाइन है उसमें लगाएंगे, इसी प्रकार इसमें लगाएंगे। ये मेरी नींबू की लाइन है, पेड़ हल्के हैं। अभी आप देखना एक महीने बाद ये भी कितने अच्छे पेड़ हैं। देखिए कितनी छोटे छोटे पौधों में कितनी फुटान चल रही है, ये कितनी अच्छी तरह से चल रही है। इनमें मैं पानी अभी नहीं दूंगा, आज मैंने काम करवाया है कि इसके आसपास जितना भी एरिया था ये सब जो है ना इसमें खुरपा निकलवाया है, ये देखिए। और कोई अगर घास वास था वो सब हटवा दिया, और एक सप्ताह बाद मैं इसमें पानी दूंगा और उसके बाद अच्छे। ये लाइन देखिए, इसमें मैंने ये स्वीट कॉर्न लगाई हुई है, तो आज इसमें पानी दिया है, ये देखिए कितनी अच्छी स्वीट कॉर्न। अभी ये काफ़ी हैं, अभी दिखनी शुरू होंगी, तो ये मेरी जो है ना इनको मैं घर पे भी खाऊंगा और इनकी बिक्री भी करूंगा। इसके दोनों ओर मैंने स्वीट कॉर्न लगवाए हैं, ये भी आप देखेंगे। ये देखिए ये स्वीट कॉर्न के पेड़ हैं, तो इसमें पानी दिया है मैंने, ये करके साइड में से थोड़ा इधर भी आ गया, तो कोई बात नहीं है। तो किसान भाइयों, नींबू में ये मेरा शौक है और मेरा पैशन है, तो मैं अपने ढंग से करना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ जो वे बताते हैं, फिर उनको पढ़ता हूँ, जो उनके वैज्ञानिक पेपर हैं, पत्र हैं लिखे हुए, उन पर ध्यान देता हूँ और बीमारियों वगैरह के बारे में पता करता हूँ, तो तब मैं किसी चीज़ को उस पर एक प्रयोग करता हूँ छोटा सा, जैसे मेरा लेमन और इस पर हो रहा है। जब बात मुझे एक मेरे व्यूअर ने बहुत अच्छी बताई है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक्स करता हूँ उनका। नींबू को कभी हाई डेंसिटी पर मत लाना, नर्सरी वालों का काम है पौधे बेचना, हाई डेंसिटी पे बताएंगे ज़्यादा पौधे बिकेंगे। नींबू को कभी भी हाई डेंसिटी पे नहीं करना। अब ये देखिए मेरा 1, 2, 3, 4 ये 5, 10, 15 फुट पर 4 पेड़ लगे हुए हैं, तो इनमें से मैं ये 2 पेड़ हटाऊंगा, 1 और 2 ये हटाऊंगा। तो नींबू को कम से कम 15x15 पर आप लगाएं, इस बात से मैं अपने व्यूवर्स की सहमत हूँ, लेकिन कटिंग करने वाले से नहीं हूँ। आप देखना कि बरसात के बाद जब हम इसे देखेंगे सर्दियों में कितना अच्छा पेड़ होगा, फिर मैं अगस्त सितंबर में आप लोगों को ये बाग दिखाऊंगा, और तब देखना। जब तक मेरे ये नींबू के जो टाइनी टाइनी पेड़ हैं, ये छोटे छोटे जो देखिए, और इसकी मैंने यहाँ से ये जितनी भी सूट थी, देखिए कितनी, आप ध्यान से देखिए इसको मैंने कितनी कटिंग कराई है इसकी। अगर नीचे के जाते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है हमारी, ये एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए हमने छोड़ दिया। और अब देखिए ये सूट हमने छोड़ी है, पौधे को ऊपर की तरफ ले जाएगी और ये बढ़िया चलेंगे। नींबू बहुत अच्छे नींबू हैं, ये 12 मासी नींबू हैं। ये देखिए ये पेड़ अभी 6 महीने बाद है, देखिए अभी से लाइन कितनी अच्छी चमक।
इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न है तो जरूर लिखिए और कमेंट जरूर दे दिए। अगर वीडियो पसंद आई है, जैसे मेरी अमरूद की बहुत वीडियो पसंद आ रही है लोगों को, तो लोगों के साथ शेयर भी करिए, इससे मुझे खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।